एफ एक्स बराबर ये एक्स क्यू माइनस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस 15 एक फलन दिया हुआ है हमें एफ 5.001 का सन्निकट मान ज्ञात करना है। इसके लिए हम 5.001 को दो टुकड़े करेंगे, एक्स को 5 मान लेंगे और 0.001 को डेल्टा एक्स मानेंगे और इसको वाई मान लेंगे। और जैसे पहले सन्निकट मान ज्ञात करते रहे हैं पहले प्रश्न में वैसे ही कर लेंगे। तो एफ एक्स जो है हमारा एफ एक्स बराबर 5.001 जो है इसको हम कैसे लिखेंगे, एफ 5 प्लस 0.001, ये एक्स और ये डेल्टा एक्स, और इसके संगत फलन यहाँ दिया ही हुआ है हम निकाल पाएंगे। तो माना वाई बराबर एफ एक्स और ये किसके बराबर है, एक्स की पावर 3 माइनस 7x² प्लस 15। अब y प्लस डेल्टा वाई के रूप में लिखेंगे। माना x बराबर 5 और डेल्टा x बराबर, अगर y बराबर एफ एक्स है तो y प्लस डेल्टा वाई बराबर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब हम देख रहे हैं कि x बराबर 5 रखना है, डेल्टा x बराबर ये, तो वापस यही आना चाहिए। अतः y प्लस डेल्टा वाई बराबर एफ 5.001। समीकरण एक कर लेते हैं। अब हम y यानी एफ ऑफ 5 निकालेंगे और फिर डिफ्रेंसिएशन करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे फिर डेल्टा वाई निकालेंगे। तो यहां से वाई बराबर जो एफ एक्स है हमारा एक्स क्यूब माइनस 7x² प्लस 15 और डी वाई ओवर डी एक्स, सीधा सा अर्थ है इसका एफ डैश एक्स हुआ और ये 3x² माइनस 14x प्लस 0 लिखें या ना भी लिखें तो डी वाई ओवर डी एक्स हमें किस बिंदु पे निकालना है, एक्स बराबर 5 पे। तो यहां से एफ डी वाई ओवर डी एक्स एट द पॉइंट एक्स बराबर 5 पे चाहिए, यानी एफ डैश 5 का मान चाहिए और जो कुछ यहाँ आ रहा है हम उसको मान रखेंगे एफ डैश एक्स में। यहाँ पे 3x² मतलब 3 गुणा एक्स की जगह 5 माइनस 14 गुणा एक्स, तो देखते हैं कितना आता है। 25 5×25 या 75 माइनस 70 यानी कितना आया, 5 रखना चाहिए था। तो 75 माइनस 70 यानी कि 5 आया है, मतलब डी वाई ओवर डी एक्स ये आया है। तो डेल्टा वाई हम कैसे लाएंगे, डेल्टा एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स एट द पॉइंट एक्स इजिकल टू 5 बराबर, ये अपना आया हुआ है डेल्टा एक्स 0.001 तो 0.001 गुणा और ये आया है हमारा 5। इसलिए हमारा इसका मान आएगा 0.005। अब हम वाई का मान निकाल लेते हैं, वाई का मतलब है एफ एक्स।
और इसका मतलब है कि आपको दिया है x पावर 3 यानी 5 की पावर 3 माइनस 7 गुणा 5 का वर्ग और प्लस 15 y बराबर f5 का मान आएगा या 5 हो जाना चाहिए था। ये 125 पाँच पंजे 25 पंजे 125 माइनस पाँच पंजे 25 और 25 सत्ते 175 प्लस 15 और ये आ जाएगा 140 माइनस 175 माइनस का 35 वाई तथा डेल्टा वाई के मान समीकरण एक में रखने पर वाई तथा डेल्टा वाई के मान समीकरण एक में रखने पर तो ये आ जाना चाहिए वाई प्लस डेल्टा वाई बराबर वाई का मान -35 प्लस 0.005 कुल मिला करके ये आना चाहिए -34.995 और यही मान हमारा यहाँ से इसका आ रहा है 0.5.001 का। तो इस तरीके से हमारा आंसर होगा सन्निकट मान दशमलव के 3 बिंदु तक।